बिहार मुख्य पर्व छठ तीन दिन तले आरंभ होता बेले आज ही तार चतुर्थ दिन छठ पूजा रे भगवान सूर्य देवता को आराधना करा जाय थे। एथिरे सूर्य उद्देश्य रे अर्घ्य अर्पण करा जाय थे। तबे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थ तिथि रे छठ पूजा आरंभ हुए। एही पर्व चार दिन धरि चले। छठर प्रथम दिन में गाधोई खाई पूजा करा जाय। एहा परे द्वितीय दिन में उपवास करबा को पड़ा थाए। दिन सारा उपवास रहिबा परे संध्या रे व्रतधारी माने प्रसाद सेवन करती। बड़ा कथा हेउछि व्रतधारी माने निज हाथ रे एही प्रसाद प्रस्तुत करथांती। तृतीय दिन में नदी कूल रे अस्तमित सूर्य को अर्घ्य अर्पण करा जाय थाए। एहा सहित अंतिम बा चतुर्थ दिन रे प्रातः काल रे उदित सूर्य को अर्घ्य अर्पण करा जाय थाए। तबे तृतीय दिन में जो घाट में अस्तमित सूर्य को अर्घ्य दि जाए थे से ही घाटर ही परदिन सका सूर्य को अर्घ्य दि जाए। यह सबुठ कठिन व्रत बोली मानती। छठ पूजार चतुर्थ दिन में सका सूर्योदय पूर्व लोक मैंने घाट को चली जाती। कृष्ण पक्षर चंद्रमा कारण आकाश में कला बादल छाई रही है। बेत बाउंश से तैयारी टोके गुड़ी नहीं एक अस्थायी मंडप तले सुरक्षित रखा जाए। एही मंडप को आखु डाळरे तयारी करा जाय थाए। एक स्वतंत्र ढांचा तयारी करी एहार कोणगुडीक हातीर चित्र एवं माटीरे निर्मित प्रदीप द्वारा सजा जाय थाए। एहा परे व्रतधारी एवं परिवार सदस्य नदी किंबा जल भंडाररे अंटाई पाणीरे ठिया होई सूर्यदेव को अपेक्षा करंती। जेमिति सूर्य उदित होंती एवं तांको किरण पड़ेबा मात्रे सारी एवं धोती पिंधिथिबा पुरुष और महिला पानी भीतर को ओल्लाई आसती। एही समय रे भगवान सूर्य को पूजा करने समय रे जप करा जाए। तबे चतुर्थ दिन रे सूर्य को अर्घ्य अर्पण करा जाए। छठी माँ को मन पकई माँ माने निज परिवार सुख एवं समृद्धि आशीर्वाद मागती प्रसाद खाई उपवास भांगी थांती। दुग्ध और पानी सहित प्रभु को अर्घ्य अर्पण कर व्रतधारी माने सुख समृद्धि कामना करती। प्रकृति महोत्सव छठ पाई चारिआड़े भक्तमय परिवेश सृष्टि हुए। पूजा परे व्रतधारी माने प्रसाद सेवन करती एवं यहाँ सहित छठ महापर्व समाप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ओडिया।